कोरोना संक्रमण के चलते जहां पूरे देश में कुछ दिनों से लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद अब लॉकडाउन में सरकार धीरे धीरे ढील देकर आम नागरिकों का जनजीवन पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लोगों को फिर से टेंशन में डाल दिया है। खबर कुछ उसी तरह की जिन पर हम आपको एक ही बार में विश्वास करने पर मना करते हैं। लॉकडाउन के इस दौर में सोशल मीडिया पर न जाने ऐसी कितनी खबरें सामने आई हैं जो कि फेक और झूठी निकली और सिर्फ लोगों को भ्रम में डालने के लिए सोशल मीडिया पर चलाई गई थी। हाल ही में ऐसी ही एक और खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 15 जून से देश भर में फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। ये मैसेज वायरल हो रहा है और उसमें ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने इसके संकेत दिए हैं और इसमें ट्रेनों के अलावा हवाई सफर पर भी ब्रेक लगेगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि असल में इसकी सच्चाई क्या है। ये जो मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें लिखा है कि 15 जून से देश भर में वापस से लॉकडाउन लगाया जाएगा और गृह मंत्रालय ने ऐसा कहा है, लेकिन अगर इसकी तह तक जाया जाए तो आपको पता चलेगा कि ये मैसेज फेक है। ऐसा हम नहीं कह रहे, इसकी सही जानकारी PIB ने भी दी है। PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इन्होंने इस मैसेज को फेक बताया है और अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही फोटो में दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा ट्रेन और हवाई यात्रा पर प्रतिबंध के साथ 15 जून से देश में फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। ये फेक है, ऐसी फेक न्यूज़ फैलाने वालों से सावधान रहे। ये ट्वीट PIB ने किया है। तो देखा आपने किस तरह से सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा ये मैसेज पूरी तरीके से फेक है। इस मैसेज को बस लोगों के बीच में भ्रम फैलाने के लिए चलाया जा रहा है। हम आपसे फिर वही कहेंगे, सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी मैसेज को सच मान लेने से पहले एक बार उसकी सत्यता तक ज़रूर जाएं। और जैसे इस कोरोना से दूर रह रहे हैं ना, वैसे ही फेक न्यूज़ों से भी दूर रहिए, अच्छा रहेगा। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.